दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ दंतेवाड़ा में नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के कई कद्दावर नेता कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने उपस्थित रहे। भाजपा ने शहीद भीमा मंडावी की पत्नी श्रीमती ओजस्वी मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ओजस्वी मंडावी के नामांकन फॉर्म भरने से पहले आम सभा ली, जिसमें प्रदेश में अब तक हुए सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लगाया गया। साथ ही शहीद हुए भीमा मंडावी की पत्नी को इस क्षेत्र से विजयी बनाने मतदाताओं से अपील भी की। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा करवाया गया। बस्तर के दंतेवाड़ा उपचुनाव के शंखनाद के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर देवती कर्मा को उम्मीदवार बनाया है। देवती कर्मा के नामांकन के अवसर पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित मंत्रीगण के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के मेड़का डोबरा मैदान में नामांकन से पहले रैली को संबोधित किया, जिसमें राज्य सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में किए गए कार्य को आम जनता के सामने रखकर कांग्रेस के प्रत्याशी देवती कर्मा को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने की अपील की। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं देवती कर्मा के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां अंतिम दिन नामांकन दाखिले की कार्रवाई की गई। पूर्व विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में हत्या के बाद दंतेवाड़ा सीट खाली हुई थी। ओजस्वी मंडावी के पर्चा भरने के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा, सीपीआई के भीमसेन मंडावी, बसपा से केशव नेताम के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कल्लू भवानी और सुद्रू कुंजाम ने भी फॉर्म जमा किया है। हालांकि इस सीट से सीधा मुकाबला कांग्रेस की देवती कर्मा और भाजपा की ओजस्वी मंडावी के बीच है। इस सीट के लिए घोषित उपचुनाव के लिए आगामी 23 सितंबर को मतदान होगा और 25 सितंबर को नतीजों की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।